लाइव में आपका स्वागत है। मैं दीप सिंह, आइए चलते हैं खास खबर की ओर। बड़ी खबर सामने आ रही, जहां महोबा विधायक के फार्म हाउस में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। जानकारी के अनुसार मौर्य फिलिंग स्टेशन से सटे महुआ विधायक राकेश गोस्वामी के खेत में पड़ी पराली में अचानक आग लग जाने से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। बताते चले कि खेत के ही बगल में मौर्य फिलिंग स्टेशन मौजूद है, जहां आग की लपटें देख कर्मचारियों ने पेट्रोल पंप के चारों ओर पानी का छिड़काव करते हुए पेट्रोल पंप तक आग को पहुँचने से रोकने में कामयाबी हासिल कर ली, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। इसी बीच सूचना पाकर अग्निशमन की मशीन पहुंची, लेकिन 400 लीटर की क्षमता वाली छोटे वाहन के प्रयास से गोस्वामी के खेत में लगी आग बुझ गई। लेकिन इसी बीच सड़क किनारे दूसरे किनारे पर अंसार साहब पुत्र रसूल साहब की सटरिंग स्टोर तक पहुंची आग, जहां लकड़ियां, बल्लियां, प्लाई आदि ने आग पकड़ ली और आग इतनी बेकाबू हो गई कि अग्निशमन व नगर पालिका के टैंकरों की कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझ सकी। इस दौरान अग्निशमन के छोटे वाहनों के कर्मचारियों की लापरवाही भी नजर आई। आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन के वाहन एवं नगर पालिका के ट्रैक्टर को दर्जनों चक्कर पानी भरना पड़ा। साथ ही लकड़ी के ढेरों को तितर बितर करने के लिए नगर पालिका के वरिष्ठ लिपिक आयुक्त खान द्वारा जेसीबी से हटवाए जाने के बाद ही आग पर काबू पाया जा सका है। घटना की सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार चरखारी एसएसआई मधुरेश त्रिपाठी भी पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। संवाददाता मोहम्मद सरफराज की रिपोर्ट।